में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या शुक्ला। आइए बढ़ते हैं खास खबर की ओर। झांसी में रेप के आरोपियों में से 36 घंटे में तीसरा जवान हुआ अरेस्ट। झांसी में रेलवे स्टेशन पर मां ने दिया बच्चे को जन्म, नन्ही किलकारियों से गूंज उठा स्टेशन। झांसी के मऊरानीपुर में मालगाड़ी की चपेट में आने से महिला की हुई मौत, मौके पर पहुंची पुलिस। नौगांव में बुंदेलखंड में जियो और जीने दो के संदेश के साथ नाचते गाते हुए निकले जैन समुदाय के लोग। छतरपुर में अवैध निर्माण रोकने गए नायक तहसीलदार के साथ हुई मारपीट, आरोपी की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। बिजनौर नेशनल हाईवे 74 पर तेज रफ्तार कार और ट्रैक्टर की हुई जोरदार टक्कर, दो लोगों की हुई मौत, छह लोग हुए गंभीर रूप से घायल। ललितपुर पुलिस ने मध्य प्रदेश से तस्कर कर लाई जा रही 1000 बियर की बोतलों को चेकिंग के दौरान युवक सहित पकड़ा। जालौन में पुलिस और अंतर्राज्य बदमाश की मुठभेड़, बदमाशों पर 45 से भी ज्यादा मुकदमे हैं दर्ज। जालौन में युवक की सिर कुचलकर की हत्या, शरीर पर मिले चोट के निशान, पुलिस जुटी हुई है जांच में। हमीरपुर में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान पैर में लगी बदमाशों को गोली। गायत्री विद्या मंदिर रेवन मऊरानीपुर में बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रवेश हुआ प्रारंभ। विद्यालय में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम ज्ञान के साथ साथ बच्चों को संस्कारी बनाने का पूर्ण प्रयास। सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय सुयोग्य शिक्षक द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। विद्यालय के संचालक हैं दीपेश श्रीवास व प्रधानाचार्य रघुनंदन गौतम। कमजोर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की सुविधाएं हैं, हवादार कमरे, खेल का मैदान, पुस्तकालय, डिजिटल नॉलेज हेतु कंप्यूटर लैब भी उपलब्ध है। प्रत्येक माह मासिक टेस्ट के साथ साथ पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी होगी। बच्चों को आने जाने के लिए वाहन सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही लीजिए गायत्री विद्या मंदिर रेवन मऊरानीपुर में एडमिशन और अपने बच्चों का भविष्य बनाइए उज्जवल। और अधिक जानकारी के लिए 7007021166 और 9695415800 पर कॉन्टैक्ट करें।